हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ब्लॉक्स। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एस्केप कासल फोर्ट्रेस, और इस गेम में हमें इस कासल से बाहर जाना है और बहुत ट्रिकी है। नॉर्मल एस्केप गेम्स आपने खेले होंगे उसमें एक ही रास्ता रहता है, लेकिन इसमें यार बहुत ही ट्रिकी चीजें हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और याद से कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको रोब्लॉक्स में एस्केप गेम्स पसंद है कि सिमुलेटर गेम्स। जब तक के लिए हम कासल से एस्केप करते हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो एक सीक्रेट की है, लेकिन इससे पता नहीं क्या खुलेगा। और आगे एक बंदा भी खड़ा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं चेक पॉइंट लेके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लावा के ऊपर से जाना है हमें। और पार्कर में तो कौन एक्सपर्ट है, आपको तो मालूम ही है गाइस। तो आओ भाई इस गेम को कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे लकड़ी के पट्टे रखे हैं कुछ, और कोने से जाता हूँ। वैसे काफ़ी बड़ी जगह है ये, सीढ़ी भी दी है एक यहाँ पे चढ़ के। भाई चेक पॉइंट ही जल्दी दे दिया इन लोगों ने। बहुत आगे एक गैप है यार, लेकिन ये चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बहुत दूर लग रहा है मेरे को। तो ये आ गया यार, यहाँ पे बहुत दूर होते जा रहा है। और ये लकड़ी टूट रही है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था यार। जल्दी निकलना पड़ेगा इससे पहले कि टूट जाए। और आगे हम लोग, अच्छा जिसमें क्रैक रहती है वही लकड़ी टूटती है गाइस, याद रखना जब भी आप खेलोगे। और ये कुछ बोल रहा है यहाँ पे, जंप ऑन द गार्ड्स हेड टू नॉक देम आउट। तो शायद से अब सामने गार्ड्स आने वाले हैं, तो हमें उनके टकले पे चढ़ के उनको मारना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो गाइस, ये कौन से काटे सीधा जमीन में छेद कर दे रहे, और ये बंदा जाके घुस गया। ये रहा गार्ड, इसके सर पे चढ़ना है शायद हमें। कहाँ से चढ़ू, ओ पेल दिया इसको हमने, और इसको चक्कर आ रहे हैं। अब जल्दी से निकल जाते हैं इससे पहले वापस खड़े हो जाए। और सीढ़ी देखो गाइस कितनी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है यार, ऐसी सीढ़ी आ जाए ना तो समझ जाना आगे का गेम बहुत ही ज्यादा टफ है। और ये तो खत्म ही नहीं हो रही, कब खत्म होगी। और यहाँ पे चेक पॉइंट ले लिया हमने, इसके अंदर क्या है, अरे अरे निकल लिया भाई, ये क्या था, ये क्रेट निकल ली। मुझे लगा इसके अंदर मुझे सीक्रेट की डालनी है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे और भी क्रेट्स रखी है, पहले से बात कर लेते हैं कहना क्या चाहता है ये। यहाँ पे इनमें से एक में की है, तो शायद इसमें होगी ये। अरे इसमें तो यार ट्रैप है, शायद पीछे वाले में ही होगी। एक पीछे वाले में भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं गाइस, आ जाओ। और इसके अंदर मिल गई हमें येलो की, मिल गई है सीक्रेट की, किसी काम की नहीं है। मुझे लग रहा है वहीं पे किसी काम की होगी। ये क्या है भाई, इसके अंदर जाऊं कि नहीं, यार थोड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे। नहीं टूटा ये, जान अच्छा इधर है, वहाँ पे क्यों देख रहा था फिर मैं। अरे 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 भाई, क्या टाइमिंग थी गाइस मेरी। ये देखो यहाँ पे अगर आप ये रस्सी तोड़ दोगे ना, ये भाले सीधे आपके आर पार चले जाएंगे। गाइस मैंने बोला था ना, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी गेम है ये, इसको आपको देख के खेलना पड़ेगा बिल्कुल। और मैंने अभी तक इसकी कोई वीडियो भी नहीं देखी, तो मुझे अच्छे से मालूम भी नहीं है। नेक्स्ट चेक पॉइंट देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पे गटर जा रहा है, ये क्या है, इसमें तो ऐसे ही कर लूंगा मैं, इतना कोई मुश्किल है नहीं। ये टूटेगा तो नहीं ना, नीचे इसके है क्या। अच्छा ये गटर है, और ये शायद से टूटने वाला है लग रहा है, इसलिए जल्दी से जाना पड़ेगा। देखा मैंने बोला था ना टूटने वाला है, क्योंकि क्रैक दिख रहा था। और यहाँ का तो ऑलरेडी टूटा है गाइस, यहाँ पे से निकल गया मैं। और यहाँ पे गार्ड भी खड़ा है, क्या डॉज मारा यार, मजा आ गया। देखा आपने यार, लाइक कर दो यार डॉज के लिए। तो और आगे देखते क्या है, ये गार्ड पीछे तो नहीं कर रहा ना। और आगे एक और बंदा खड़ा है, ये तो यार कटप्पा जैसे लग रहा है। इसकी शक्ल ध्यान से देखो गाइस, इसकी दाढ़ी देखो, एकदम बिल्कुल कटप्पा जैसा लग रहा है ये। ये ब्रिज के नीचे से शायद बोट जा रही होगी, नहीं बोट तो जाएगी नहीं, लावा में से कुछ तो है, इन लोगों ने पता नहीं क्यों खोल के रखा था। और ये ब्रिज सीधा करने के बाद भी ब्रिज जैसा कहीं से नहीं लग रहा है, जिसने भी बनाया ना उसका जॉब से निकाल दो। और ये क्या, ये अपने आप ऊपर हो रहा है यार, किसी ने लीवर तो नहीं खोल दिया। अरे ये कहाँ से आ गया यार, भागो जल्दी, यहाँ पे तो यार बहुत सारे गार्ड है, जल्दी भागना पड़ेगा। एक और गार्ड है यार, निकल लो जल्दी से। और ये पूरा का पूरा पार्कर वाला एरिया है, तो मेरे लिए तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। यहाँ पे कुछ गमले टाइप बकेट रखे हैं, ये भी टूट गए, और सीढ़ी रखी है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चेक पॉइंट भी आ चुका है। और ये रस्सी ये क्यों है शायद से यहाँ पे। अच्छा गाइस, अगर आपने रस्सी पे टच किया ना, ये खुल जाएगा और आप सीधा जाओगे खाई में, इसलिए देख के जाना जैसे भी जाओगे। और अगर आपके साथ कोई हुआ और उसने टच कर दिया, तो भी आपकी बेटी बनेगी, इसलिए भाई अकेले जाना। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा पार्कर वाला एरिया। ये सामने क्या रखा है, ये क्या है यार, कुछ क्रैक वैक लग रहा है, टूटेगा तो नहीं ना ये, जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे। अच्छा ये तो एरो है शायद से, ये बंदा बोल रहा है कि सामने बहुत ही खतरनाक ट्रैप से, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और ये कह रहा है आखिरी बंदा जो गया था उसने ज़मीन टच करी थी, अब इसमें ज़मीन कौन सी है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लकड़ी के पट्टे को ज़मीन बोल रहा है कि सीमेंट को ज़मीन बोल रहा है, पता नहीं किसको बोल रहा है। और ये सीमेंट भी नहीं है, ये तो क्या, ये कॉबल स्टोन है क्या है ये, और इसको देख के जाना पड़ेगा यार बिल्कुल ही यहाँ पे। अच्छा ये क्या, अरे यार वही मैं सोचा यार ट्रैप कहाँ है, दिख ही नहीं रहा ट्रैप। और सामने हमारी एक मूर्ति रखी है, इसके अंदर जाना है शायद से हमें इसके मुंह में, लेकिन एक बार मैं पीछे भी चेकआउट कर लेता हूँ। और ये लोग बेवकूफ़ तो बनाने में नंबर वन है,
पीछे कुछ है नहीं इसके वैसे, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास इसके मुंह के अंदर से जाने का। तो वहीं से जाते ये दांत थोड़ा बंद कर, यार कहाँ जाना है? अच्छा इधर जाना है क्या यार, नीचे मैं सोच रहा हूँ यार जाना कहाँ है यहाँ पे। और ये मिस्टीरियस सीढ़ी यार अचानक से कुछ आ नहीं जाए, गड्ढा वड्ढा, इसलिए थोड़ा सा देख के जाऊँ आराम आराम से। और आगे चेक पॉइंट मिल गया, चेक पॉइंट मिल गया है। और यहाँ पे कुछ अलग है गाइस, इससे बात करके देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक बोट है, लीवर खींचना है, तो बोट शायद यहाँ से आएगी। आ गई आ गई आ गई, और बोट आ गई, इसका लीवर खींचते और ये चालू हो गया। ये आगे क्या है यार, आगे तो ट्रैप है यार ये बोर्ड, लेकिन मैंने सही टाइमिंग पे निकाल ली, चलो भाई ये सही है। और आगे देखते क्या है, अरे कहाँ जा रही है यार ये बोर्ड है, मजाक है क्या, हो क्या रहा है? ये तो पहुंचने से पहले ही टूट जाएगी यार, ये बिखर नहीं जाए। और ये टूट गई गाइस पूरी की पूरी, लेकिन मैं बच गया पता नहीं कैसे यार। मुझे तो लग रहा है शायद से मुझे कंट्रोल करना था लेफ्ट राइट, और ये मुझे अच्छे से मालूम नहीं है। वैसे पीछे गार्ड था, यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा है कि बंदा खड़ा है, इसको पेलना पड़ेगा लग रहा है पहले हमें। हाँ भाई इसको पेलना पड़ेगा। अब इस लीवर को पुल करते, और ये क्या आया यहाँ पे, ये क्या है, लिफ्ट जैसी लग रही है तो। अच्छा अंदर बटन भी है, इसको दबाते हैं। चलो गाइस अब जाते हैं ऊपर की तरफ। और आगे अब हमारे स्केलेटन्स भी आने वाले हैं ऐसा बोला इन लोगों ने। तो यहाँ पे ये ट्रैप थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, क्योंकि कांटे में भी जा नहीं सकते हम। इसको दबा दूंगा तो शायद से ये कांटे अंदर आ जाए, इसलिए मुझे देख के जाना पड़ेगा बिल्कुल ही। बस पहुँच गया थोड़ा सा और दब गया गलती से, चलो निकल रहे यहाँ से। और सामने यहाँ पे आ रही है नीचे, बिल्कुल पापा पिज़्ज़ेरिया वाले में भी शायद यही वाली आ रही थी, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं मुश्किल। आगे एक बंदा भी है यार, एक बंदा यहीं पर खड़ा है। और ये इधर गया, ये क्या है यहाँ पे, कुछ लावा टाइप निकल रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। और ये रहा स्केलेटन, ये रहा भाई स्केलेटन, मार दिया मैंने। चलो ऐसी स्केलेटन गार्ड जैसे हैं, तो दिक्कत है ही नहीं, एक ही बार कूदना है बस, या तो बच के निकल जाओ। अरे अरे तो दो और दोनों के सर पर चढ़ के मार दिया यार मैंने, ये तो बिल्कुल अर्बन रीन वाला हो गया गाइस। अगर आपने PS2 में खेला हो तो, मैं वो बहुत खेलता था इसलिए मुझे प्रैक्टिस है ऐसे सर पर चढ़ के मारने की। सामने आप तीन चार बंदे कितने भी ले आओ, मैं बिल्कुल जंप मार मार के सबको पेल दूंगा। और ये वाला ऑब्स्टिकल तो अच्छा, यहाँ पे अलग अलग आएंगे तो हमें ऐसी चढ़ना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और सामने रस्सी लगी है, लेकिन ये लग रहा है फ्लोर टूटने वाली यार, जल्दी दौड़ते यहाँ से। लेकिन ये तो टूटी नहीं यार, ये तो स्कैम कर दिया हमने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, शायद इस रस्सी को तोड़ेंगे हम, मतलब टच करेंगे तो वो टूट जाए। और क्या ही फट्टे से मारा है भाई इन दोनों ने, बिल्कुल एक साथ मारा है दोनों ने, और करेक्ट टाइमिंग पे मारा, एक ही बार में हेल्थ चली गई। चलो मैं तो दौड़ के आ गया हूँ, इस बंदे से बात करके देखते क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे शायद से घोड़ा आने वाला है गाइस, तो घोड़ा गाड़ी करने वाले हैं अब हम लोग। और ये रहा मेरा घोड़ा, और इस पर बैठ के चलते हैं। और यहाँ पे जाना है, ओके यहाँ जाना है, लेकिन यार घोड़े के कंट्रोल तो बहुत ही घटिया है, ये तो यार मुड़ भी नहीं रहा है, ये सीधा रोटेट हो रहा है भाई, क्या कंट्रोल बनाए, क्यों बनाते हो ऐसे गेम। और यहाँ पे देखो गाइस ऐसे हमें जाना है आराम आराम से। और ये इधर भी आ गए, और ये क्या खड़े खड़े दौड़ रहा है यार, इधर आ जा थोड़ा सा, बहुत ही मतलब यार मैं बता रहा हूँ, मुझे आप स्पीड बूस्ट दे देते, ये घोड़े पे बिठाने की जरूरत नहीं थी यार, बहुत ही घटिया कंट्रोल है। और ये पानी के भी जंप मार दिया हमने, पानी से भी निकल चुके हैं। और यहाँ पे है क्या, अच्छा ये है खाई है। और ये देखो कैसे घूम रहा है, पूरा गोल घूम रहा है, मतलब ये सीधा खड़े खड़े तो मोड़ ही नहीं सकते हम इसको। और सामने भी आ गए हैं, आगे वाली खाई तो यार बहुत गहरी लग रही है, आ गई। अरे यार सिर्फ दो टांग आ पाई, दो टांग नहीं आई भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ है ये, बहुत ज़्यादा यार। ये देखो ये पेड़ से टकरा के कैसे आउट हो सकता है यार, ये तो कुछ भी है, मतलब एक तो कंट्रोल इतना घटिया, ऊपर से तुम्हारा कॉन्सेप्ट और घटिया। मत बनाना भाई, अगली बार से मुझे घोड़े पे बिठा मत देना, मैं पैदल चले जाऊंगा। और यार मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तो खड़े खड़े दौड़ने लग जाता है, अब तो यार बहुत देर से मैं कर रहा हूं पता है, और मैं बोर हो चुका हूं, तो अब मैं सोच रहा हूं बिना रुक के दौड़ लगा दूं। लेकिन ये अगली बार से करेंगे अगर हम आउट होते हैं तो, इस बार तो देखते। ये देखो, देखा आपने, खड़े खड़े ही लेफ्ट राइट जा रहा है भाई, हवा में कैसे लेफ्ट राइट जा सकता है ये। अब हो चुका है गाइस, अब मेरा हो चुका है, अब मैं यार नॉन स्टॉप जाने वाला हूँ। अब देखो आप, जब कुछ नहीं होना, जब कुछ भी नहीं हो तो ये कर दिया करो गाइस, मैंने पहले भी बताया आपको, जब कुछ नहीं होना तो सीधा एनालॉग आगे करो और दौड़ते जाओ, रुको ही मत, देखो ही मत किसी को, देखो ऐसे दौड़ते जाओ, देखना अब कैसे हो जाएगा, मतलब अपने आप ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसे नहीं होगा क्योंकि बहुत देर से नहीं हुआ। ये पेड़ भी हैं, हो जा, हो गया गाइस फाइनली हो गया, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा यार, आगे और है। और ये कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आगे एक फ्लोर है जो कि टूटने वाला है, अब हमें वो भी पार करना पड़ेगा यार, ये अलग दिक्कत। और इस बार मैं यहाँ हाथ ही नहीं उठाऊंगा, सीधा दौड़ लगा दूंगा भाई, कहीं भी जाए सीधा जा तो जल्दी जा। लेकिन आ रहा आ रहा आ रहा, आ गया, उतार दे यार, अब तो उतार दे यार, ये पेड़ एक तो खत्म ही नहीं हो रहे। और यहाँ पे एक और जब मारनी पड़ेगी शायद, मार दे, आ गई भाई, और उतार ही दिया फाइनली, निकल ले यार तू, घोड़े निकल ले यहाँ से, अब मुझे जाने दे तू अकेले। यहाँ पे क्या है, ये वही तो गार्ड है, अच्छा गार्ड है यहाँ पे, तो एक ही बार में पिट गया ये।
नीचे खाइए, एक लीवर है यहाँ पे, लीवर खींच के देखते क्या हो रहा है। और एलिवेटर आ चुका है, अब इससे ऊपर जाते हैं पहले तो। और यहाँ पे गाइस देखो सीधी लाइन में गार्ड पूरे तैनात खड़े हैं यार, एक एक को चीरते हुए जाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे दो लोग पेल चुका हूँ, तीसरा बंदा भी पेल दिया, क्या ही निकला यार, बिल्कुल हीरो टाइप एंट्री मारी है। और ऊपर चढ़ते सीढ़ी पे, अब देखते क्या है। यहाँ पे ब्लू कलर की लैंप लगाई है इन्हें, और सीढ़ी खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ये। और आ गए भाई इधर, और यहाँ पे क्या, ये तो ड्रैगन है शायद, ये फाइनल हमारा दुश्मन है गाइस। फाइनल एनिमी को मार के गेम ख़त्म करते हैं जल्दी। और इसकी फ्लेम से बचने के लिए यहाँ पे रास्ता तो दिख रहा है बीच में एक, अच्छा वहाँ पे जाके छुपना पड़ेगा हमें। तो इसकी फ्लेम ख़त्म हो जाने दो, फिर जाते हैं हम लोग। और चलो यही टाइमिंग है गाइस, और ये रहा हमारा आर्क, और इसके अंदर छुपना है ऐसा बोला इसने, तो यहाँ पे छुप जाते हैं, क्या दिक्कत है। और ये आग अंदर तक नहीं आ जाए यार, ये अंदर तक नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी अंदर तक आ रही, तो हमें कोने में छुपा रहना पड़ेगा बिल्कुल। और यहाँ पे टाइमिंग थोड़ी सी मिसमैच हो गई, लेकिन मैं पहुँच गया। और ये क्या हुआ, ये तो यार चिपक गई आग मेरे में, अब मैं बिल्कुल ही कोने में खड़े रहूँगा यार, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं आने वाला। अब लास्ट पड़ाव तक आ चुके हैं, बस अब मुझे समझना है कि जाना कहाँ से। इसकी टांगों के बीच में से जाना पड़ेगा लग रहा है बिल्कुल ही, जल्दी यार ये नीचे नहीं देख ले। और आ गया मैं, और कुछ तो टेलीपोर्ट हुआ है, ये आग मार रहा है पीछे, सामने इतनी बड़ी बड़ी तलवार लेके आ रहे हैं ये लोग, कौन है यार। ये तो अल्टीमेट नाइट से गाइस, जिनकी तलवार का एक भी शॉट पड़ गया ना तो मेरा काम लग जाएगा, जल्दी दौड़ लगाता हूं। ये लोग पीछे से तो नहीं आ रहे यार, जल्दी बोल क्या बोल रहा है, लीवर खींचना है, लीवर खींच दो जल्दी से यार, ये लोग आ तो नहीं रहे वैसे। और ये जाइंट डोर ओपन हो रहा है, और बहुत ही कर्रा लैग हुआ है इधर। और आगे देखते क्या है, आगे एक चेक पॉइंट है लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं आगे। और इधर अब पार्कौर करते हुए जाना है हमें, और इतना मुश्किल तो है नहीं वैसे। आगे क्या है, ये आगे ये गार्ड है यार, इसको अब मारना पड़ेगा। अरे क्या हो रहा है, कूद जा, अरे कूद यार, अरे क्या कर रहा है, अरे मार दिया इसने, चार शॉट मार दिया मेरे में कटाना के। अब देख के जाना पड़ेगा यार, आगे गार्ड नहीं आ जाए अचानक से, वरना मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये तो यार रिस्पॉन हो गया, चलो जल्दी जाते। अरे क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है यार, ये स्पाइडरमैन क्यों बन गया छिपकली की तरह, छोड़ इसको, अब कूद कूद जा, कूद गया। और यहाँ पे यार इसको कैसे निकालेंगे, और ये मैं कूदा, और ये क्या था, ये क्या है यार, इसको मारने के बाद मेरे कैरेक्टर को चक्कर आ गए, और गोल गोल घूम के वो पानी में गिर गया। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको मारूंगा तो मैं तो खुद ही नीचे गिर जाऊंगा। तो अब ट्राई करते हैं इसको नहीं मार के नीचे जाए, और पहले तो इसको पेलना पड़ेगा, इसने शॉट मार के अपन को हेल्थ पूरा लो कर दिया था। और अब जाते हैं आगे, और इस बार देख के जाना पड़ेगा मुझे बिल्कुल, और चढ़ जाए एक ही बार में। अब इसको हटाते रास्ते से, हट जा, अरे अरे बच गया गाइस, गिरने वाला था मैं इस बार भी। अब देखते क्या है, ये चेक पॉइंट आ गया, अरे यार ये काम तो बोरिंग लगता है थोड़ा सा। और ये लॉस्ट टेंपल वाले कांटे आ गए गाइस, आपको तो मालूम है इसको पार कैसे करना है, जैसे ये निकल जाएगा उसके बाद दौड़ लगा दी, नहीं है मुझे, और दौड़ लगा दी मैंने। आ गए हम लोग, और सीढ़ी चढ़ते, कितनी सीढ़ी है यार, एक तो इधर एक एक्स एक्स क्रॉस भी बने दो। और यहाँ पे क्या है, ये कुछ अलग लग रहा है, ये कुछ गेम है क्या, यहाँ पे बीच बीच में से जाना पड़ेगा लग रहा है, और गलत चढ़ गया थोड़ा सा। अब एक काम करते यार, कोने में कूदने की जगह अपन सीधे चलते हैं ना, क्योंकि गैप तो उतना ही आ रहा है, ज़्यादा गैप है नहीं, हाँ ये इजी भी पड़ेगा। और थोड़ा सा एक और जंप आ गए हम लोग, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डिफीट ऑल द एनिमीज, ऑडियंस के बीच में उतार दिया इसने मुझे, अब मुझे इन सबको मारना है गाइज। और ये देखो तीनों को एक बार में, मैंने बोला था ना पेटी बना दूंगा जो भी आएगा। और ये कौन है, अरे यहाँ तो और लौंडे आ रहे गाइज, और क्या हो रहा है यार, मेरे को भागना पड़ेगा जल्दी, कोई बचाओ मेरे को, सब पीछे पड़ गए। और यहाँ पे आठ लोग मार दिया यार मैंने एक ही बार में, 9 लोग ही मार पाया यार, लेकिन ये फिर से मारना पड़ेगा क्या गाइज, देख रहे हो, मतलब प्रो की निशानी देखो आप, कैसे पेलता हूँ मैं बिल्कुल ही। और यहाँ पे दो और मार दिए, तीन मार दिए, 12 हो गए, और यहाँ पे और मार दिए, 14 हो गए, लेकिन इसकी एक ही तलवार ने काट दिया मुझे। और यहाँ पे विग मेरी उड़ गई है, पहले तो यार ग्राफिक सेटिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि लैग बहुत हो रहा है, और लैग के चक्कर में मैं मार नहीं पा रहा इनको, तो लोएस्ट सेटिंग पे आ जाते हैं पहले तो अपन। अब आते हैं जल्दी, कहाँ है, अरे ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये पीछे से कहाँ से आ रहा है, और ये तो काट ही दिया यार, ये गलत किया तुमने, नीचे खड़े रहो ना, ऊपर क्यों आ रहे हो, अभी आता हूँ मैं, रुक जाओ, 6 लोग और मारने हमें, तो ये कहाँ है, अच्छा नीचे ही खड़े, और फिर काट दिया यार, लेकिन मैंने मार दिया शायद से 3 लोग को मार दिया, और 3 बचे, तो आउट होते होते ही मैंने मार ही दिया था, और मैं गलत ही कूद गया इन लोग के बीच में, बस 3 लौंडे और मारने हमें, तो जल्दी जाते सीधे सर पे कूद जाता हूँ। ये देखो गाइस क्या ही कूदा है, बस एक बंदा और मार दिया मैंने, 20 लोगों को भूत बना के मारा है गाइस। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड का सीक्रेट रास्ता खुला है,
और यहाँ पे देखते कहाँ जाना है ये क्या, फिर ऊपर आ जाओ भाई। नीचे भेजा ही क्यों था, ऊपर आना था तो और कंप्लीट कर दिया गाइज हमने। देखा मैंने बोला था ना हम कर ही देंगे इसको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। और रोब्लॉक्स के और एस्केप गेम देखने या कोई सा भी गेम देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है।